लॉकडाउन के बाद अपने अपने राज्यों और शहरों में लौटने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए जहां प्रशासन उन्हें भेजने की कवायद में लगा हुआ है, वहीं मथुरा में यूपी हरियाणा सीमा पर एकत्रित होने वाले सभी मजदूरों के लिए नगर के समाजसेवी भोजन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। प्रतिदिन कोसी बॉर्डर पर आने वाले हजारों श्रमिकों के लिए समाजसेवी पूड़ी सब्जी चाय बिस्कुट केले टोस्ट आदि बनाकर बंटवाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता एवं समाज सेवी तरुण सेठ भी प्रतिदिन आने वाले मजदूरों के लिए खाद्य सामग्री बनवा कर बंटवाने का काम कर रहे हैं। देखो जी, मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो काफ़ी परेशानी की स्थिति में हैं। और हम लोग हमारी टीम पूरी उनके लिए खाने पीने की चिंता कर रही है, साथ में खाने पीने के साथ साथ पानी की चिंता कर रही है। और आप देख रहे हो कि इस समय उनके लिए चप्पल स्वापी वगैरह वो भी हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनकी चप्पल घिसी हुई है इस समय, नंगे पैर भी बहुत से लोग। और इस साथ उनके सिर ढकने के लिए नहीं है, धूप में वो पैदल चल रहे हैं काफ़ी लोग, तो हम उनको लिए स्वापी वगैरह भी दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर उनको किसी को ज़रूरत हम समझते हैं 100, 200, 500 रुपये की, तो आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं उनको। लगभग कितने मजदूरों को आपने आज हमने लगभग 3,500 मजदूरों को खाना खिला चुके हैं हम, जिसमें पुलाव है और सब्जी है, पूड़ी है, पानी है। और आप देख रहे हो 2,500 आदमियों को हमने, हम पे स्टॉक है इस समय शाम तक के लिए, तो लगभग 5,000-6,000 आदमियों को आज खिलवा देंगे। कब से सेवा चल रही है आपकी? ये लगभग हमारी हाईवे पे, तो वैसे तो हमारी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है जब ही से चल रही है।